आज फैसले का दिन है। करीब एक महीने तक चली लंबी सियासी लड़ाई के बाद लोकसभा चुनाव 2024 में कौन बाजी मारेगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। लोकसभा की सभी 543 सीटों पर रुझान आने का सिलसिला जारी है और इन रुझानों में इंडिया गठबंधन एनडीए को कड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रही है। कुछ सीटों पर नतीजे आना अभी बाकी है तो वहीं कुछ सीटों पर नतीजे आ चुके हैं और इन्हीं सीटों में से शामिल है जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट। बारामूला सीट पर इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बारामूला सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला को निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर राशिद शेख ने करारी शिकस्त दी है। बारामूला सीट पर हार जीत का अंतर 30,233 वोट का रहा था। उमर अब्दुल्ला ने बारामूला सीट पर हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने इंजीनियर राशिद को जीत की बधाई भी दे दी। उमर ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, इसे स्वीकार करने का समय आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राशिद की जीत से जेल से उनकी रिहाई में तेजी आएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मतदाताओं ने अपनी बात रखी और लोकतंत्र में ये सब मायने रखता है। वहीं वोटिंग शुरू होने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा था वो सुन लीजिए। उतार चढ़ाव तो रहेगा ही, क्योंकि जिस तरह वोटिंग की पैटर्न रही और जिस तरह कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कम कुछ में ज़्यादा, मुझे पहले जिस दिन पोलिंग हुई उस दिन से मालूम था कि काउंटिंग जो है उसका ट्रेंड एक तरफ से नहीं होगा। ये किसी का लीड, किसी का ट्रेल, लेकिन एंड में रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। उमर सर, एग्जिट पोल को आप कैसे देख रहे हैं जो सुबह से भी चल रहा है यहाँ? अब ये एग्जिट पोल आप लोग चलाते हो, असली पोल जो मैटर करता है वो आज का है। एग्जिट पोल्स तो आप लोग जो है टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हो। एग्जिट पोल्स का नतीजों पे कोई असर नहीं पड़ता और अक्सर हमने देखा है कि एग्जिट पोल और असली पोल में फर्क रहता है। अब देखें, हालांकि ये तो हमें मानना होगा कि सारे एग्जिट पोल गलत हो नहीं सकते, 19-20 का फर्क रह सकता है, लेकिन ये उम्मीद करना कि सारे एग्जिट पोल गलत होंगे और मतलब इतना गलत होंगे कि रिजल्ट में एक बहुत बड़ा फर्क आएगा, शायद नहीं होगा। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने रिकॉर्ड बहुमत हासिल किया था। बीजेपी को कुल 303 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने 52 सीटों के साथ कमजोर प्रदर्शन किया था। मोदी लहर पर सवार बीजेपी ने 303 सीटें पाकर अपने दम पर बहुमत हासिल किया था, लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बार तो एनडीए भी 300 का आंकड़ा पार करते हुए नजर नहीं आ रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।